शुरुआत में दोस्तों खबर आती है कि गुजरात के सूरत में 12 विधायकों के साथ ली मेरेडियन होटल में तमाम शिवसेना के विधायक पहुंचते हैं। बाद में यह आंकड़ा बढ़कर 12 से 22 पहुंच जाता है और फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर बुलाई जाती है एक बैठक, जिसमें दावा किया जाता है कि करीब 35 विधायकों के ना पहुंचने की खबरें उड़ती हैं। तो क्या वाकई में महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है बीजेपी का ऑपरेशन लोटस? एकनाथ शिंदे, ये हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता, विधायक और मंत्री भी, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि चंद घंटे की सांसें गिन रही है ठाकरे सरकार, क्योंकि महाविकास अगाड़े को सबसे बड़ा झटका खुद उन्हीं के नेता दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से नाराज क्यों है। इसे जानने के लिए कुछ तथ्यों की बात या जिक्र जरूरी है। एकनाथ शिंदे थाने से पृष्ठभूमि है इनकी, बहुत प्रभावशाली नेता है और 2014 में दोस्तों ये नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, महाराष्ट्र के बड़े नेता इसे आप कह सकते हैं। उनके मन में ख्वाब था कि शिवसेना की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। फिर क्या हुआ वो आगे आपको बताऊंगा, मगर सियासत के केंद्र में जो मोहरे हैं अब उनको भी देखिए। एकनाथ शिंदे ही सिर्फ इकलौते नहीं हैं जो बगावत का बिगुल फूके हुए हैं, उनके साथ हैं गुजरात भाजपा के अध्यक्ष सीआर पाटिल, गुजरात फैक्टर समझिएगा, और ये हैं देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र में सीएम पद के दावेदार। मगर क्या सीआरआर पाटिल ही हैं जो ऑपरेशन लोटस को सबसे बड़े किरदार माने जा रहे हैं? क्या वही है इसके पीछे के सबसे बड़े किरदार? क्योंकि दावा यह किया जा रहा है, पत्रकार है वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी, वो कहते हैं, आप वो भी सुनिए आपकी स्क्रीन पर, गुजरात यूनिट के अध्यक्ष सीआरआर पाटिल ही महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस के पीछे हैं। पाटिल मराठा समुदाय से आते हैं और जलगांव जिले से ही उनका ताल्लुक है, वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से बहुत करीब हैं। बातचीत लगातार जारी है, बताया जा रहा है कि अभी सूरत में जितने भी विधायक हैं वो इन्हीं के ही संपर्क में हैं। तो सवाल आपके मन में भी होगा कि ऑपरेशन लोटस क्यों अंजाम दिया जा रहा है? दोस्तों ये सवाल अपने आप में दिलचस्प और बड़ा है। इसकी पृष्ठभूमि को समझने के साथ साथ भविष्य की राजनीति को समझना भी जरूरी है, क्योंकि 2024 का चुनाव, यह बात सब जानते हैं कि महाराष्ट्र देश की आर्थिक नब्ज है। याद कीजिए कोरोना काल, कोरोना काल का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो तारीख आपके जहन में आज भी याददाश्त के किसी कोने में होगी। तारीख थी 23 नवंबर 2019, सुबह का वक्त था, या आप कह लीजिए कि रात का अंधेरा और सुबह का वक्त था। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच एक तस्वीर टीवी और मोबाइल फोन पर फ्लैश होती है, क्या कि देवेंद्र फडणवीस ने दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, किसके साथ? एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। इससे पहले महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, जब यह नौबत आई राष्ट्रपति शासन खत्म करते हुए एक दिन पहले ही, क्योंकि खबर आ गई थी कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस ने यह तय कर लिया कि उद्धव ठाकरे को सीएम बना दिया जाए, सहमति बन गई। लेकिन रातों रात सब कुछ बदल जाता है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी शपथ दिलाते हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री पद की देवेंद्र फडणवीस और दूसरी तरफ अजीत पवार डिप्टी सीएम। तब शिवसेना नेता संजय राउत ने एनसीपी नेता अजीत पवार पर हमला बोलते हुए कहा था कि उन्हें ईडी जांच का डर था, इसलिए उन्होंने शरद पवार को धोखा दे दिया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस हमेशा से यह बात कहते थे दोस्तों कि अजीत पवार को जेल भेजेंगे। बवाल हुआ, शरद पवार फ्रंट पर आए, डैमेज कंट्रोल कर लिया, सरकार मिलकर बना ली।
यानी एकनाथ शिंदे के जरिए बीजेपी सरकार बनाने का सपना देख रही है। वैसे शिवसेना नेता संजय राउत दावा कर रहे हैं कि बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। वो कहते हैं कि मुझे हैरत नहीं है कि पूरा का पूरा घटनाक्रम गुजरात में हो रहा है। दोस्तों, कहा तो यह भी जा रहा है कि गुजरात में ही मध्य प्रदेश सरकार की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। जब मध्य प्रदेश की सरकार गिरी थी तब उसकी स्क्रिप्ट भी गुजरात में ही लिखी गई। और राजस्थान में जो कुछ सियासी घटनाक्रम हुआ, जो सरकार गिरने वाली थी उसका प्रयास, उसकी स्क्रिप्ट भी गुजरात में ही लिखी गई थी। संजय राउत सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने, और फिर उसके बाद शरद पवार का एक महत्वपूर्ण बयान आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, ये ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के, जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जा रहे? ये देश तो बहुत बड़ा है, सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहां है, उसमें से बहुत से लोग हैं वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा, उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहां किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहां अपना काम कर लेती है आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहां वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावंत निष्ठावान शिवसैनिक। बात एकनाथ शिंदे की नाराजगी की थी, तो अब यह भी जान लीजिए कि शिंदे नाराज क्यों हैं। कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए उन्हें मलाईदार मंत्रालय दिया, यानी कि अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय, मगर उद्धव ठाकरे ने उनके सिर पर अपना एक आदमी बिठा दिया, जिसको लेकर शिंदे नाराज थे, क्योंकि उनकी हर गतिविधि की खबर बताया जा रहा है कि वो शख्स उद्धव ठाकरे तक पहुंचा देता था, जिसको लेकर वो बेहद नाराज थे। इतना ही नहीं, बातें यह तक सामने आई कि शिंदे के समर्थक विधायक जब भी सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने की कोशिश करते थे तो उद्धव उनसे मिलते तक नहीं थे। और तीसरी शिकायत एकनाथ शिंदे की यह भी रही कि जब फंड सरकार की तरफ से अलॉट किया जाता था तमाम मंत्रालयों को, जो अलग अलग मिलता था, उसमें से एनसीपी के मंत्रियों को फंड ज्यादा मिलता था और शिवसेना के जो मंत्री थे उन्हें कम फंड दिया जाता था। और इसी नाराजगी को देखते देखते एक धड़ा उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़ा हुआ, जो कि एकनाथ शिंदे के साथ जाकर मिल गया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम, जैसे कि पिछली बार अजीत पवार को बगावत का बिगुल फूकने पर इनाम देने की कोशिश हुई थी, तो अब क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हो रहे हैं? पहले से ही डिप्टी सीएम इस सरकार में है कौन? अजीत पवार। एनसीपी की तरफ से वो मोर्चा संभाल रहे हैं, मगर इसको लेकर शरद पवार एनसीपी के सबसे बड़े नेता और इस सरकार में माना जाता है कि रीढ़ की हड्डी, दिमाग, सब कुछ वही है, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। तो मैं आपसे ही सुनता हूँ, ठीक है? अभी तक उन्होंने हमें या किसी को कहा है कि मुझे सीएम बनाओ, ये मुझे मालूम नहीं, मगर एक बात है कि वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, जबकि सीएम एनसीपी के पास है, और इंफॉर्मेशन बाकी जो मंत्रालय है इसकी जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस के ऊपर। यानी शरद पवार का कहना है कि ये मसला शिवसेना का है, एक तरफ ठाकरे के सामने सरकार और दूसरी तरफ माना यह भी जाता है दोस्तों पुत्र मोह की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह भी है, क्योंकि उद्धव किसी और को शिवसेना में नंबर टू नहीं देखना चाहते अपने बेटे के सिवा। तो सवाल यही कि मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, उत्तराखंड याद है ना आपको, जहां पर रातों रात सरकार गिर गई थी हरीश रावत की, या फिर अब महाराष्ट्र, बीजेपी सरकार बनाने का मौका कहीं नहीं चूकती है। अनिल देशमुख हो या फिर नवाब मलिक, ईडी का शिकंजा लगातार कसता गया, तो क्या राजनीतिक बुलडोजर से महाराष्ट्र की सरकार कुचल दी जाएगी, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है?
खैर देखिए अब आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में सियासी पिक्चर का ट्रेलर है ये, और अभी पिक्चर बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।